हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म, हम लोग जो टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर आज का जो टॉपिक होने वाला है, सब टॉपिक, वो हम लोग चर्चा करेंगे डायरेक्टिंग ग्रुप के ऊपर। ओके, इससे पहले हमने जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसके बारे में हमने चर्चा की, जहाँ पे हमने नाइट्रेशन देखा, सल्फोनेशन देखा, अल्काइलेशन देखा, असाइलेशन देखा, ये सारी चीजें देखी। सारे हमने सभी प्रोसेस यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से हमने देखे। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअली में आपका डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर ये है, अगर स्ट्रक्चर है, अगर उस स्ट्रक्चर के ऊपर आप बहुत सारे ग्रुप देखते हो, चाहे आपका OH हो, NO2 हो, ओके, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ये सारी चीजें आपने देखी है। लेकिन एक डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, जो पूरे ग्रुप को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, पूरे ग्रुप को क्या करता है, दिशा दिखाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। जैसे मेरे पास एक क्या है, यहाँ पे मेरे पास एरोमेटिक रिंग है, और ये एरोमेटिक रिंग क्या है, मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। अगर मैं इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं कोई ग्रुप यहाँ पे मैं लगा दूं, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। ओके, अब ये डायरेक्टिंग ग्रुप आपका सिर्फ यहाँ पे नहीं हो सकता, ये हर एक पोजीशन पे आपको डायरेक्टिंग ग्रुप देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप ऑर्थो पोजीशन ले लो, ठीक है, या फिर आप चाहे मेटा पोजीशन ले लो, ओके, या फिर आप यहाँ पे पैरा पोजीशन ले लो, आपका सब जगह यहाँ पे डायरेक्टिंग ग्रुप हो सकता है। और यहाँ पे जो ग्रुप पहले से, अगर किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर पहले से कोई ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इप्सो पोजीशन, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इप्सो पोजीशन। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एरोमेटिक रिंग के अंदर उसकी पोजीशन को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करके रखते हो, किस तरीके से आप जानते हो। अगर आप पोजीशन के बारे में अगर आप क्लियर हो कि ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप कभी भी डायरेक्टिंग ग्रुप देखते हो ना, तो दो तरह के डायरेक्टिंग ग्रुप आपको मोस्टली देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो वो दो तरह के डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके, तो यहाँ पे आप मोस्टली दो तरह के डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ओके, वो होता है आपका एक्टिवेटेड, ठीक है, एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके, ये आपका सबसे पहला टाइप होता है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके। तो दो तरह के आपको डायरेक्टिंग ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है आपका एक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप, दूसरा होता है आपका डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप। अभी यहाँ पे एक्टिवेटिंग और डायरेक्टिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या फर्क है, यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहले अगर आप एक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप की अगर आप बात करो, तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है ना, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर वो क्या होता है, आपको इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिलता है। ओके, और उसी जगह अगर आप यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप में देखोगे, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपका, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है, आपका डिक्रीज होते हुए आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ गया होगा कि एक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है और डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप में फर्क क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का फर्क यहाँ पे आपको पता चला। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखोगे, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि अगर आप एक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो। जैसे मेरे पास कोई रिंग है, ये मेरे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। इस रिंग के ऊपर कोई एक डायरेक्टिंग ग्रुप लगा है, सपोज ये डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है आपके पास, एक्स है। अगर इसके ऊपर लोन पेयर है, ये आपका इस तरीके से जो बेंजीन रिंग होते हैं उसके आपके डबल पेयर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड। अभी क्या होता है कि जो लोन पेयर होता है वो अपना क्या करता है, यहाँ पे आपको डोनेट करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से जो आपके पास डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक होता है, ओके, और जिसके कारण यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ओके, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है यहाँ पे वो रिंग के ऊपर
इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है रिंग के ऊपर वो आपको क्या है इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिलती है। सेम अगर आप यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप में आ जाओ, डीएक्टिवेटिंग अगर आप कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे सपोज मैंने एक ग्रुप लिया, ये ग्रुप मेरे पास एक्स डबल बॉन्ड टू, यहाँ पे आपके पास वाई है। अभी इस ग्रुप में क्या होता है कि यहां से आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां से क्या करता है ये बॉन्ड ब्रेक करता है इस तरीके से, और इसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जब ये एक्स आपका बॉन्ड ब्रेक करता है तो ऑफकोर्स इसका जो एक वैलेंसी होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ना वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके इसको देता है, जिसके कारण इसकी जो वैलेंसी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, और इसमें अगर आप देखो तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में या फिर डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से ये दो पॉइंट आपको बहुत समझ में आ गया होगा। ओके, अभी यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपका क्या हो सकता है आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर, कि जितने भी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ओके, वो क्या करते हैं डोनेट करते हैं। ओके, ये क्या करते हैं डोनेट करते हैं इन आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर। ओके, ये एक पॉइंट हो गया आपका। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हो तो ये जो आपका जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं फॉर डीएक्टिवेटिंग। ओके, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। आपका चौथा पॉइंट इस तरीके से है कि जितने भी आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं ना वो सारे के सारे कहाँ होते हैं आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ओके, जितने भी आपको एक्टिवेटेड ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जितने भी आपको डीएक्टिवेटिंग आपको ये देखने के लिए मिलते हैं ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ओके, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि आपका एक्टिवेटेड जो एक ग्रुप है वो किस तरीके से ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, और किस तरीके से आपका एक जो डीएक्टिवेटेड ग्रुप है वो किस तरीके से सिर्फ मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं ताकि इस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग सारे के सारे जितने भी हमने पॉइंट लिखे हैं उस पॉइंट को हम प्रूव कर सके। सबसे पहला पॉइंट ये लिखिए आप कि आपके पास कोई एक्स ग्रुप है, एक्स का मतलब आपका क्या है हेलोजन ग्रुप है, करेक्ट, ये आप मानते हो एक्स मतलब क्या होता है हेलोजन ग्रुप, जिसके अंदर आपका क्लोरीन आ सकता है, आपका ब्रोमीन आ सकता है, इसमें आपका आयोडीन आ सकता है और फ्लोरीन आ सकता है। ठीक है, अगर आप जितने भी यहाँ पे हेलोजन में आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन देखोगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ओके, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, यानी हर एक एक्स के बारे में हर एक ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा आपका ऑर्थो डायरेक्टिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कौन सा आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये जितने भी आपके हेलोजन ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ये बात आपको पता चल गई। तो अगर आपके बेंजीन के ऊपर कोई भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर आप कभी भी हेलोजन ग्रुप को देखते हो तो वहां पे आपको कोई भी डायरेक्टिंग ग्रुप अगर पूछा होगा तो वहां पे आपको क्या करना है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का ही इस्तेमाल वहां पे करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये बात हो गई आपके हेलोजन ग्रुप की, लेकिन अगर मैंने आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया, ओके, जैसे अगर मैंने यहाँ पे आपको ये पूछा कि यहाँ पे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, आप सिंपली मुझे इसका रेट बता दो, रेट ऑफ आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये क्या होता है, ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ओके, ये किसको प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग को। ठीक है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, एरोमेटिसिटी को। ठीक है, ये एरोमेटिसिटी को क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका कंपाउंड बहुत ज्यादा एरोमेटिक है, ओके, अगर ऊपर भी आपका कोई एरोमेटिक रिंग लगा है एक्स की जगह पे आपके डायरेक्टिंग ग्रुप की जगह पे, तो वहां पे आप समझ जाओ कि उसका जो रेट होगा वो रेट क्या होने वाला है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है, यानी अगर एरोमेटिक रिंग है तो उसका जो रेट होगा वो क्या होगा आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो ये दो कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको बहुत क्लियर तरीके से आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर आइडिया हो जाएगा आपके डायरेक्टिंग ग्रुप के ऊपर। ओके,
जैसे मैं यहाँ पे आपको रेट पूछता हूं, रेट ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ओके। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेता हूँ, और उसके बाद क्या करूंगा मैं आपको इसका जो रेट है वो आपको यहाँ पे पूछूंगा कि रेट किस तरीके से आएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक रिंग, करेक्ट। ये भी आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है। अभी इनके ऊपर जो डायरेक्टिंग ग्रुप लगे हैं ना, वो क्या क्या लगे हैं, यहाँ पे आपका लगा है NH2 लगा है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास लगा है CH ग्रुप लगा है, सॉरी यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास है CH3 ग्रुप लगा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन लगा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास साइनाइड लगा है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लगा है नाइट्रो ग्रुप यानी NO2। अभी यहाँ पे मुझे आप सिंपली इसका रेट आप एक्सप्लेन करके बताओ कि इसका रेट क्या आएगा। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से सुनो मेरी बात, आप कभी भी अगर आप ये देखो कि NO2 पोजीशन को, तो NO2 क्या करता है, यहाँ पे आपको माइनस आई यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट आपको शो करता है, साथ में ये माइनस आर भी आपको शो करता है, ठीक है। रेजोनेंस यहाँ पे भी आपको रेजोनेंस देखने के लिए मिलेगा। आपका जो साइनाइड है ना, साइनाइड भी आपका क्या करता है, माइनस आई और माइनस आर आपको इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अगर आप क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन आपको माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन में किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट आपको शो नहीं होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे CH3 की बात करो तो यहाँ पे आपको प्लस एच यहाँ पे आपको इफेक्ट शो करता है। अगर आप OH की बात करो तो यहाँ पे आपका माइनस आर इफेक्ट शो करता है। अगर आप NH2 की बात करो तो यहाँ पे भी माइनस आर इफेक्ट आपका शो करता है। आपको यहाँ पे अगर आपको इसका अगर ऑर्डर देना होगा तो ऑर्डर आप आसानी से यहाँ पे दे सकते हो, यानी ऑर्डर किस तरीके से आएगा, यहाँ पे ये सबसे छोटा होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। अभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है पहले और दूसरे में, अभी यहाँ पे इस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करेंगे, अगर आप यहाँ पे इसके जो डायरेक्टिंग ग्रुप है उसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करो। यहाँ पे आपके पास क्या है, NH2 ग्रुप है, यहाँ पे क्या है आपके पास OH ग्रुप है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप इस पोजीशन को देखो, ये NH2 वाले को, तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको बहुत कम आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है उसका जो रेट होता है वो सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है, ये बात आपके दिमाग में सेट कर लो, ओके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे NH2 है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पास लेगा, अपने पास से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। लेकिन अगर आप OH की बात करते हो तो OH ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा और इससे ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है, ओके। अगर आप इसका मैकेनिज्म समझना चाहते हो तो इसका मैकेनिज्म भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको देंगे कि यहाँ पे किस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टिंग ग्रुप किस तरीके से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप मैकेनिज्म लिखो, सबसे पहला स्टेप आपके पास है, यहाँ पे आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है, ओके। इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर आपके पास कोई एक डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच है, जो है क्या है आपके पास, उसके पास लोन पेयर है, करेक्ट, ये आपके पास है। और एक्स में क्या हो सकता है, आपके पास हैलोजन ग्रुप हो सकता है, कोई भी आप हैलोजन ग्रुप के कोई भी आइटम आप ले लो, आप क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आप कोई भी चीज यहाँ पे आप ले सकते हो, करेक्ट, ये बात आप मानते हो मेरी बात। अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, लोन पेयर है, ओके, ये बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। ये लोन पेयर क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ से ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ओके। डबल बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। और ये जो पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है आप देखोगे तो ऑर्थो पोजीशन है, करेक्ट। ऑर्थो पे आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिला। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे आपका एक रिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आपका एक बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड आ जाएगा, करेक्ट, ये आप मान रहे हो, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी इस कंडीशन में क्या करना है आपको, इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से आपका ये
जो आपका ग्रुप है ये यह क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पे चले आएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको करते हुए दिखाई देगा। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड एक्स, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ओके, अभी इस स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपके पास ग्रुप है ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और यहाँ से ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पहले ये इस कार्बन के ऊपर आए, ठीक है, पहले आप देखोगे तो इस कार्बन के ऊपर आए, फिर ये इस कार्बन के ऊपर आए, ओके, अब ये इस कार्बन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होने वाला है वो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। इस स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पे आपके पास ग्रुप आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ग्रुप क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक नेगेटिव चार्ज आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा। अभी इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास एक्स होगा ना उसके अंदर आपको इस तरीके से आपको जो एक रेजोनेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा एक्स के अंदर, ठीक है। अभी इस कंडीशन में आपके पास जो ये नेगेटिव चार्ज है वापस आके ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा वो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास एक्स, और यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास एक जो एक फाइनल कंपाउंड होता है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म था एक डायरेक्टिंग ग्रुप का, कि किस तरीके से डायरेक्टिंग ग्रुप अपने रेजोनेंस को कंप्लीट करते हैं, और रेजोनेंस कंप्लीट करते करते यहाँ तक एक फाइनल कंपाउंड ये प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा जो हमने देखा था डायरेक्टिंग ग्रुप के स्टार्टिंग में, ये हमने ये डायरेक्टली लिखा था कि ये क्या कर रहा है, इस रिएक्टेंट से क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है ये हमने नहीं सीखा था। तो अभी हमने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से यहाँ पे एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ आप इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप क्या करो, नोट कर लो। जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है। ओके, ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर आपका क्या हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, करेक्ट। NH2 के अलावा यहाँ पे आपका OH भी हो, ठीक है, या फिर आपका SH हो, या फिर आपका एक सेकेंड, या फिर आपका यहाँ पे NHR हो, ओके, या फिर आपका यहाँ पे NR2 हो, या फिर आपका यहाँ पे OR ग्रुप हो, या फिर यहाँ पे आपके पास SR हो, या फिर आपके पास क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ओके, या फिर आपके पास आयोडीन हो, या फिर आपके पास फ्लोरीन हो। तो ये सभी कंडीशन में आपको जो डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। आप जब भी ये सारे के सारे अगर आप ग्रुप अगर आप देखते हो ना एक्स की जगह पे, डायरेक्टिंग ग्रुप की जगह पे, तो आप वहां पे एक बात हमेशा आप कंफर्म करके चल लो कि वहां पे जो आपके पास डायरेक्टिंग ग्रुप लगा है ना, यहाँ पे एक्स की जगह पे कोई भी ग्रुप आपको देखने के लिए मिल रहा है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे एक आपका ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका पार्शियली नेगेटिव, और ये भी आपका पार्शियली नेगेटिव आपको यहाँ पे चार्ज देखने के लिए मिलेगा। पार्शियली नेगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी आपके ग्रुप होंगे वो वहीं पे आके क्या करेंगे, आपको डायरेक्टिंग ग्रुप की जगह पे अटैचमेंट आपको दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये आप क्या करोगे, ये जितने भी आपको मैंने ग्रुप के एग्जाम्पल दिए हैं, बस आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। अगर आप याद कर लेते हो तो ही आपके लिए ये बहुत काम आएगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई आप इसका शॉर्टकट नहीं है जिसमें आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सिंपली है कि अगर सिंपली यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी अगर जो आपके पास जो डायरेक्टिंग ग्रुप लगा है ना, अगर वो आपका नेगेटिव चार्जेस वाला हो, ओके, यानी ऊपर अगर आपको नेगेटिव चार्ज अगर आपको दिख रहा है, तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और यहाँ से जो आपका बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको बनते हुए दिखेगा, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक
ठीक है, यहाँ पे आपके पास बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास बॉन्ड आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद वापस क्या होगा, ये वापस बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाएगा और यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास ये एरोमेटिक रिंग है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड एक्स आ गया, ठीक है। ये वापस नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। अभी इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और ये कार्बन के ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको वापस एक रिंग देखने के लिए मिलेगी और ये रिंग कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड एक्स आ गया, ठीक है। अभी इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो वापस कहाँ जाएगा, एक्स के ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो एक फाइनल यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग आ गया, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास एक्स माइनस, ओके। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक फाइनल प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिला है। और ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, तो रिवर्सिबल का साइन अगर आप लगा दो तो ये आपके लिए बेटर होगा। अगर आप एक्स माइनस से आप वापस एक्स माइनस का फॉर्मेशन आप नीचे से ऊपर भी कर सकते हो और ऊपर से आप नीचे भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन आप कर सकते हो, ओके। अगर आप एक्स माइनस के कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे एक्स माइनस के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपके पास ओ माइनस हो सकता है, ठीक है, आपके पास एन एच माइनस हो सकता है, ठीक है, आपके पास सी एच टू माइनस हो सकता है। अगर आप ये ग्रुप को लेके अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको सेम कंपाउंड का ही एग्जाम्पल आपको फाइनल देखने के लिए मिलेगा। और जब भी आपको एक्स नेगेटिव की जगह पे आपको ओ माइनस, एन एच माइनस, सी एच टू माइनस अगर आपको जहां पे भी दिखे, तो वहां पे आप समझ जाना कि वहां पे जो भी आपके पास एरोमेटिक रिंग होगा उस रिंग के ऊपर अगर आपको एक्स माइनस कहीं दिख गया तो वहां पे आपको क्या मिलने वाला है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको मिलने वाला है, ओके। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, अगर आप माइनस है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपके पास अगर कोई और कंपाउंड हो, ओके, जैसे यहाँ पे अगर आपके पास कोई और ग्रुप अटैच हो तो इस कंडीशन में आपके पास क्या करोगे। जैसे ये आपके पास कोई एक एरोमेटिक रिंग है, ओके, ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपके पास एक्स पे अगर आपके पास कोई आर ओ ग्रुप है, ठीक है, आपके पास कोई ओ एच ग्रुप है, या फिर आपके पास कोई एन एच टू है, या फिर आपके पास यहाँ पे एन एच आर है, ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पे एन आर टू है, ठीक है, या फिर आपके पास एस और एच है, ठीक है, या फिर आपके पास एस और आर है, या फिर आपके पास सी एल, या फिर आपके पास बी आर है, या फिर आपके पास आई, ओके। तो इस सारे कंडीशन में आपको क्या एक बात का ध्यान रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपको ऑर्थो ग्रुप है या फिर जो आपका पैरा ग्रुप है, ये ऑर्थो क्या करेगा, यहाँ पे आपको माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा और साथ में यहाँ पे आपको प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे शो करता है। अगर आप यहाँ पे अगर आप ये ग्रुप देखोगे तो ये भी आपको माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पे आपको प्लस आर शो करेगा। लेकिन जब भी आपको ये जो कंपाउंड है आपको आर ओ ओ एच एन एच टू एन एच आर एन आर टू एस एच एस आर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये ग्रुप जहां पे भी दिखे ना आप समझ जाना कि यहाँ पे आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, करेक्ट, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे आपको वीक इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपके डायरेक्टिंग ग्रुप से बहुत दूर है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको वीक देखने के लिए मिल रहा है। जहां पे भी आपको वीक इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए मिले वो कंपाउंड क्या होता है, आपका माइनर कंपाउंड होता है, ठीक है। और जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग एक सेकेंड एक नहीं नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आप कर लो, जहां पे भी आपको वीक अगर इंडक्टिव इफेक्ट दिखे वो क्या होता है, आपका मेजर कंपाउंड फॉर्म होता है, ओके। जहां पे भी आपको स्ट्रॉन्ग आपका इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए मिले वहां पे आपका क्या होता है, माइनर कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए
मिलता है। लेकिन ये सारे केसेस में क्या होता है, आपका एप्लीकेबल नहीं होता है कि अगर आपको माइनस आई इफेक्ट अगर आपके ऑर्थो पोजीशन पे दिख रहा है तो वहां पे आपको माइनर ही आपका फॉर्मेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका वहां पे मेजर भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन आपका कंडीशन क्या होता है अलग होता है। मेजर कब कब फॉर्म होता है, जब आपका क्या होता है ऑर्थो में आपका जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलती है, तब क्या होता है वहां पे आपको मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर आप कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपका जो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी आपका क्या करता है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है, ओके, ये आपके पास क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है, इसके ऊपर आपके पास एक्स माइनस, यहाँ पे आपके पास डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर आपके पास एक्स माइनस में अगर आप CH2 ग्रुप ले लो माइनस, ओके, या फिर आप O माइनस ले लो, या फिर आप NH माइनस ले लो, ओके, तो ये तीन अगर ग्रुप अगर आप लेते हो तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे जो आपके पास ये ऑर्थो ग्रुप है ना, ये ऑर्थो ग्रुप तो आपको प्लस आर और प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे जो पैरा पोजीशन पे है, ओके, ये पैरा पोजीशन क्या करेंगे आपको प्लस आर और प्लस आई यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आपको शो करेंगे। अभी इस कंडीशन में आपको पता है कि ये क्या करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग आपको इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, और ये क्या करने वाले हैं आपको वीक इंडक्टिव इफेक्ट आपको क्या करने वाले हैं शो करने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपको ये अगर कहीं पे भी आपको ये डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर आपका CH2- O- NH- अगर आपको दिख जाए तो वहां पे आप सिंपली क्या करोगे, जहां पे भी आपको स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए मिले वहां पे क्या होता है आपका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके, और वीक में आपका माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपका मेजर होगा और कहाँ पे आपका माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड है, कुछ ऐसे भी आपको डायरेक्टिंग ग्रुप है जो क्या करते हैं, ये पूरी चीज को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जैसे अगर मैं कोई डायरेक्टिंग ग्रुप की जगह मैं कोई अगर एक बल्की ग्रुप ले लूं, ओके, जैसे सपोज मेरे पास अगर मैं कुछ इस तरीके से एक एग्जांपल ले लूं, ओके, जैसे मैं अगर किसी यहाँ पे डायरेक्टिंग ग्रुप के ऊपर अगर मैं कोई बल्की ग्रुप लेके चलता हूँ, ओके, यहाँ पे मेरे पास कोई एक बल्की ग्रुप है जो क्या करता है डायरेक्टिंग ग्रुप के ऊपर लगा है। जैसे ये आपके पास क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है, लेकिन ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर जो आपका डायरेक्टिंग ग्रुप लगा है इसके ऊपर आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो सकता है, जो क्या करते हैं बल्किनेस को शो करते हैं, यानी ये सारे के सारे क्या है आपके पास बल्की कंपाउंड है, ओके। जब आप ऐसे कंडीशन आप देखते हो ना तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो एक ग्रुप यहाँ पे अटैच है ना उसके अंदर आपको हिंड्रेंस आपको देखने के लिए मिलता है, ओके, और जहां पे भी आपको हिंड्रेंस अगर आपको देखने के लिए मिले वहां पे क्या होता है कि जो ऑर्थो होता है, ओके, यानी जो ऑर्थो पोजीशन होता है आपका ये वाला, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको माइनर प्रोडक्ट मिलता है, ओके, और जो आपका पैरा होता है वो पैरा पे आपको क्या मिलता है मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है इन बल्की ग्रुप में। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि अगर आप कोई बल्की ग्रुप लेके चलते हो डायरेक्टिंग ग्रुप के ऊपर तो वहां पे आपको ऑर्थो और पैरा पे आपको कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बात हो गई, ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और आपके पास ये पॉइंट है कि सपोज यहाँ पे आपके पास सपोज अगर आपके पास कोई डायरेक्टिंग ग्रुप है, ओके, यहाँ पे अगर आपके पास कोई डायरेक्टिंग ग्रुप है और इस डायरेक्टिंग ग्रुप के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, ओके, आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आपके पास CX3 है, ओके, यहाँ पे आपके पास Nr3- है, ओके, ये आपके पास एक एग्जाम्पल हो सकता है। आपके पास है Pr3+ का एग्जाम्पल है, आपके पास है CX का एग्जाम्पल है, ये आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में अगर आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या है एक एरोमेटिक रिंग है, ओके, अगर इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपका लगा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आंख बंद करके ये बात लिख देनी है कि यहाँ पे जो मेटा पोजिशन होगा, ओके, जो आपका मेटा पोजिशन होगा, ओके, आपका जो मेटा पोजिशन होगा वहां पे क्या करेगा, इस फॉर्म मीन मेजर प्रोडक्ट, ओके, यहाँ पे क्या होगा मेजर प्रोडक्ट का आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे बता दिया मैंने कि अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहां पे आपका क्या होगा, आपका मेटा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको
देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कुछ एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व करो तो इसको आप बहुत क्लियर तरीके से समझ जाओगे। यानी एग्जाम्पल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लेंगे, ओके, आपका हेलोजन ग्रुप भी लेंगे, एक्स माइनस ग्रुप भी लेंगे, यानी सारे के सारे ग्रुप का एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। अभी यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल ले लो, या फिर आप आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये आप थोड़ा सा ये एग्जाम्पल को देखो, या फिर आप इसको क्वेश्चन भी आप कह सकते हो। यहाँ पे मेरे पास एक ग्रुप है जिसके ऊपर क्या लगा है, आपके पास OH लगा है, ओके, और ये क्या कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ Br, और यहाँ पे क्या है आपके पास CH2, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, 5 डिग्री आपको दिया है, ठीक है। CS क्या है आपके पास, ये एक सॉल्वेंट है जिसको आप क्या करो यहाँ पे लिख के रखो, नहीं तो आप क्या करोगे इसके साथ भी रिएक्शन करवाने की आप सोचोगे। तो ये एक सॉल्वेंट है जो क्या कर रहा है, ये पूरे रिएक्शन को हेल्प करता है, सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट। अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये बी आर है, यहाँ पे आपके पास ओ एच है। अभी ये क्या करेगा, ये जो आपके पास पैरा पोजिशन है, इस पैरा पोजिशन पे आपका क्या हो जाएगा, बी आर अटैच हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपका क्या होता है, मोनो ब्रोमाइड का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं आती है, ओके। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर दोनों एग्जाम्पल को मैं कंपेयर करूंगा। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं इस तरीके से लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक आपके पास एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर भी क्या है आपके पास, यहाँ पे NH2 है, ओके। अभी इसकी जो कंडीशन है ना, यहाँ पे आपके पास Br है, यहाँ पे भी आपके पास CH2 है, ओके, यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपको बनते हुए दिखता है। यहाँ पे आपके पास एरोमेटिक रिंग हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है आपके पास OH है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास Br आ जाता है, आपके ऑर्थो पे पैरा पे आपको Br देखने के लिए मिलता है, और साथ में यहाँ पे वापस Br, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे आपको हर जगह क्या है, Br देखने के लिए मिलता है। तो ये कैसा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है, पॉली ब्रोमिनेशन वाला कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यानी एक से ज्यादा क्या है, यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन क्या है, अटैच है आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ओके। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसके लिए होता है कि अगर आप यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड को अगर आप कंपेयर करो, जो आपके डायरेक्टिंग ग्रुप पे लगे हैं OH और आपके पास NH2, तो अगर आप दोनों में कंपेयर करो तो ये क्या होता है, आपका मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, आपके कंपैरिजन में, OH के कंपैरिजन में। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो NH2 होता है वो आपको पता है कि क्या है, आपका मोर रिएक्टिव है। अगर मोर रिएक्टिव है तो ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, जो उसके ऊपर जो सॉल्वेंट लगा है ना यहाँ पे, ये सॉल्वेंट क्या करता है, वर्क नहीं करता है, यानी ये सॉल्वेंट का कोई भी काम नहीं होता है, ओके, वर्क नॉट, ओके, ये सॉल्वेंट आपका वर्क नहीं करता है यहाँ पे, यानी ये डायरेक्टली क्या करता है, ब्रोमिनेशन में जाता है और ये पॉली ब्रोमिनेशन करता है। लेकिन अगर आप OH ग्रुप लेते हो तो वो OH ग्रुप क्या है, मोर रिएक्टिव ना होने के कारण यहाँ पे सॉल्वेंट का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, और जिसके कारण यहाँ पे सिर्फ मोनोब्रोमिन का ही आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखो तो आपको मैकेनिज्म समझेगा कि यहाँ पे किस तरीके से आपको ये फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिला है, ओके। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास माइनर और मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपके पास क्या है, OH ग्रुप है, ओके, ये आपके पास क्या है, एक एनिलीन ग्रुप है, ठीक है। अभी ये अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपके पास क्या है, HNO3 है, करेक्ट। अभी इसमें अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली देखो तो NO2 का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है OH के साथ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका नाइट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी अगर आप नाइट्रेशन प्रोसेस देखते हो तो ये कैसे होता है, ये हम जानते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, इस तरीके से आपके पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप यहाँ पे OH देख रहे हो ना, ये इस तरीके से कुछ OH आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये क्या करता है, आपके पास जो हाइड्रोजन होता है यहाँ से क्या करता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, यहाँ से ये अटैच करते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से आपको अटैच देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली आपका क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ आपका हाइड्रोजन आ जाता है, साथ में यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है, ये आपके पास एक नाइट्रोजन ग्रुप आ जाता है यहाँ पे, ओके। और इस, और एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया,
यहाँ पे आ जाता है आपका नाइट्रोजन ग्रुप आ जाता है और इस नाइट्रोजन के साथ आपका ओ माइनस आ जाता है, ठीक है। अभी ये क्या करता है, यहाँ से आपका ये जो ऑर्थो पोजिशन है यहाँ से क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या करते हैं 36% का आपको फॉर्मेशन देखते हैं। और दूसरा जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपके पास एरोमेटिक रिंग आ गया, यहाँ पे आपके पास OH आ गया और यहाँ पे आपके पास आ गया NO2, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये 25% का आपको क्या करते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया आपका, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट आपका हो गया। तो यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट भी आपका डिपेंड करता है कि किस तरीके से फॉर्म होता है, कहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, और कहाँ पे आपका नहीं होता है। ऐसे आपके नंबर ऑफ एग्जाम्पल है जिसको आप करते करते क्या हो जाओगे, थक जाओगे, लेकिन आप अगर आप डायरेक्टिंग ग्रुप के एग्जाम्पल आप जितने करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। ओके, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक ग्रुप है, ओके, ये ग्रुप के ऊपर मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। ओके, ये कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मैं क्या करता हूँ, NO2 लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह पे क्या लगा है, मेरे पास NO2 लगा है और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है आपके पास Br2 का Fe Br3 और ये टेम्परेचर कितना है आपके पास 135 to 145 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इस रिएक्शन में ऊपर आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आ जाता है आपके पास NO2 ग्रुप आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके मेटा पोजिशन पे आ जाता है आपका Br ग्रुप। अगर आपने देखा होगा जब भी हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया है, वो टेम्परेचर आपको क्यों दिया है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो। अगर आप यहाँ पे NO2 को देखोगे तो ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। अगर कोई कंपाउंड लेस रिएक्टिव हो तो उस कंपाउंड को रिएक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करके इसको रिएक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर आपको कोई भी ग्रुप पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको मेटा डायरेक्टिंग, आपको जो एक ये होता है आपको रिएक्शन होता है वो आपको यहाँ पे करना है। ओके, आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के ऊपर आपका किस तरीके से यहाँ पे आपका अटैचमेंट होता है इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल है और मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ये नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप सॉल्व करो, आपको कहीं पे भी ये एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ओके, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के, या फिर अगर आप सिर्फ डायरेक्टिंग ग्रुप के क्वेश्चन आंसर अगर आप डालोगे आपके YouTube के ऊपर डालो या फिर आपके Google के ऊपर डालो, आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे जो डायरेक्टिंग ग्रुप है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे बस एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे टर्म कंडीशन आपको लिखवाया है ना, कि जितने भी यहाँ पे हमने अलग अलग डायरेक्टिंग ग्रुप लिए हैं वो सब चीजें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आप इसको याद रखोगे, बल्कि ग्रुप आया तो आपका कहाँ पे ये होगा, ओके, और डायरेक्टिंग ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा, अगर आपका एक्स माइनस में अगर आपको इस तरीके से आया तो आप कहाँ पे अटैच होगा, अगर आपको ये सब आ गया तो कहाँ पे अटैच होगा, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, याद रखोगे, तो ही आपके लिए ये आप बहुत डायरेक्टिंग ग्रुप के क्वेश्चन आपके लिए सुटेबल लगेंगे और इजी लगेंगे। अगर आपको नहीं याद होता है तो आपके लिए मुश्किल होने वाला है। ओके, इसका यहाँ पे हमने मैकेनिज्म प्रोवाइड किया, सारी चीजें यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ लगता है, कोई दिक्कत आती है, तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके वो सारी चीजें आप हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको लिंक वहां पे दे दिया जाएगा। ओके, और जाते आते आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, वहां पे हम लोग एक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जो एक आपका बहुत जाना माना रिएक्शन है, गटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, जिसको बहुत लोग गटरमैन भी कहते हैं लेकिन वो एक्चुअली में गटरमैन कोच रिएक्शन होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच।